अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग एक फ्री में आरडीपी बनाना चाहते हो और आप चाहते हो कि उस आरडीपी की स्पीड उतनी ही फास्ट हो जितनी एक पेड आरडीपी की होती है, तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्ती आरडीपी बनाना सिखाऊंगा जो कि फुल हाई स्पीड है। जब आप इस आरडीपी को यूज करोगे आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप एक फ्री आरडीपी यूज कर रहे हो, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा लगेगा कि आप एक पेड आरडीपी यूज कर रहे हो, क्योंकि इस आरडीपी के अंदर ना तो कोई लैगिंग है और ना कोई स्लो हैंगिंग वाला सीन है, फुल फास्ट आरडीपी है। तो बहुत मजा आएगा आपको यूज करके, इसमें आप अपना कोई भी छोटा मोटा इजीली कर सकते हो। तो आपको कंप्लीट प्रोसेस समझाऊंगा आज की वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जो देखिएगा। कुछ दिनों पहले मैंने अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड की हुई थी जो कि आरडीपी से रिलेटेड थी, जिसमें मैंने एक ये वीडियो जिसपे 22,000 व्यूज है तकरीबन, और एक ये जिसमें 5,500 व्यूज है। इनमें भी मैंने फ्री में आरडीपी बनाना सिखाई आप लोगों को, तो अगर आप फायदा लेना चाहते हो तो ये वीडियो भी जाकर देखें ताकि आपको मजीद फायदा हो सके। तो आज की वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई ब्राउजर ओपन कर लेना, और उसके गूगल में आने के बाद आपने लिखना है आउटलुक, और ये जो फर्स्ट वेबसाइट है आपने इसको ओपन कर लेना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आउटलुक का एक अकाउंट क्रिएट करना है। क्रिएट फ्री अकाउंट पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पर जो भी आप अपना आउटलुक का ईमेल लिखना चाहते हो वो लिखो, यहाँ पर रैंडम में लिख सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने नेम लिखा है, कुछ गिनती के वर्ड लिखे हैं, नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। तो बाद यहाँ पर आप पासवर्ड लिखे जो भी आप लिखना चाहते हो। पासवर्ड के बाद सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक करें, यहाँ पर आप कोई भी नाम देते हैं अपना। नेम के बाद सिंपल आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ रैंडम जो भी आप लिखना चाहें वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, इसमें कोई भी इशू वाली बात नहीं होगी, ठीक है। एंड यहाँ पर आपने सिंपल नेक्स्ट पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मुझसे यहाँ पर एक फोन नंबर मांग रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट बनाया हुआ है अपना आउटलुक का। तो आपसे जब आप फर्स्ट टाइम इस पर अपने क्रोम में बनाओगे तो आपसे यहाँ पर ये फोन नंबर वगैरह नहीं मांगेगा, कि इसके बाद आपसे कैप्चा फिल करवाएगा, और जैसे आप वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दोगे तो आपका अकाउंट सिंपली क्रिएट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो ये जरा समझ रहा है कि मैं कोई स्पैम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे से ज्यादा वेरिफिकेशन मांग रहा है, ठीक है। तो मैं आपको अपना रियल अकाउंट दिखा देता हूँ आउटलुक का। यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेरा आउटलुक का अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर माई प्रोफाइल में आकर इसको छोड़ दूंगा। जब आपका आउटलुक का अकाउंट बन जाए तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपका जो सा ईमेल है वो यहाँ पर शो होगा, इसको आपने कॉपी कर लेना है एंड आपने अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आना है। न्यू ब्राउजर ओपन करें, गूगल में आए, गूगल में आने के बाद आपने यहाँ पर गिटहब लिख देना है, और ये जो उनकी पहली वेबसाइट है इसको आपने ओपन कर लेना है। सिंपली यहाँ पर गिटहब का अकाउंट बनाएंगे, साइन अप पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर कोई भी आपने जीमेल का अकाउंट नहीं देना, आपने जो सा आउटलुक का अकाउंट बनाया, जो सा हमने ईमेल कॉपी किया था, हम सिंपल यहाँ पर पेस्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो वो कह रहा है कि ऑलरेडी आपने टेकन है। तो इसका बहुत ही सिंपल अकाउंट बनाने का तरीका है, बट मैंने बताना था आपको कि यहाँ पर कोई जीमेल का अकाउंट नहीं देना, आपने देना है आउटलुक का, ठीक है। आउटलुक का जैसे आप अकाउंट दे दोगे यहाँ पर आपके बाद उसके बाद आपसे पासवर्ड मांगेगा, कुछ वेरिफिकेशन वगैरह करेगा, और आपका जब अकाउंट बन जाएगा तो वो कुछ इस तरह का आपको मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे आपका गिटहब का अकाउंट बन जाएगा कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। जब आप उसको अकाउंट बनाओगे तो वो आपसे वेरिफिकेशन भी करवाएगा। तो वेरिफिकेशन के लिए आपने जो सा ईमेल दिया होगा वो यहाँ पर आपके मेन डैशबोर्ड पर आउटलुक के, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको हर चीज क्लियर हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो सा वेरिफिकेशन है ये वाला, आई थिंक सो, यहाँ पर ये मेरा वेरिफिकेशन कोड आया था, आपने यहाँ से कॉपी करना है, वो आपने गिटहब में जाके जब आपसे वेरिफिकेशन करवाएगा वहां पर जाकर आपने सिंपली पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो आपका आउटलुक का अकाउंट बन गया, उसके थ्रू आपने बना लिया अपना गिटहब का अकाउंट। अब आपको एक और अकाउंट भी बनाना है, गूगल में आएंगे, गूगल में आने के बाद आपने लिखना है एनजी रॉक, और ये जो उनकी फर्स्ट वेबसाइट आएगी आपने इसको ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपने साइन अप पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर अब आपने क्या करना है, नीचे आपको देखें एक साइन अप विद गूगल आ रहा है और दूसरा साइन अप विद गिटहब। तो हमारा जो सा गिटहब का अकाउंट बना हुआ है, तो अब आपने क्या करना है, इसके थ्रू आपने ये जो सा एनजी रॉक का अकाउंट वो क्रिएट करना है। साइन अप विद गिटहब पर आप क्लिक करोगे और जो आपका अकाउंट है वो उसके साथ ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा, और यहाँ पर आपके सामने इस तरह का कोई डैशबोर्ड आपके सामने शो हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, गिटहब पर आ जाना। अब आप यहाँ पर बड़ा ध्यान से देखना है, अब आपकी रियल आरडीपी बनना स्टार्ट होने लगी है। तो आपने गिटहब के डैशबोर्ड पर आ जाना है, यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है, न्यू रिपोजिटरी पर क्लिक करना है। ये जस्ट आपको एक दफा में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, उसके बाद आप इसको एक मिनट के अंदर बना लोगे, ठीक है। और यहाँ पर रिपोजिटरी में आने के बाद आपने यहाँ पर रिपोजिटरी नेम देना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है काफी अकाउंट। तो यहाँ पर जो एक दफा आप नाम दे दोगे ना, उसके बाद वो आप दोबारा नहीं दे पाओगे। तो आप क्या करो, उसके बाद आप कुछ एक आधा गिनती का वर्ड और ऐड करो, एक्सेप्ट कर लेगा। नाम देने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल प्राइवेट पर आपने क्लिक कर देना है। नीचे आएंगे क्रिएट रिपोजिटरी पर आप क्लिक कर दोगे, एंड यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, सेटिंग पर आ जाना है, एंड यहाँ पर सीक्रेट एंड वेरिएबल्स एक्शन पर आओगे, एंड न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट पर आप आ जाओगे। अब यहाँ पर आपने क्या लिखना है, यहाँ पर ना ये जो सा लिखा हुआ है आपने कैपिटल वर्ड में लिखना है सारा कुछ, एनजी रॉक आगे, ये भी ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ये वाला कोड, बट आप देखकर भी लिख सकते हो।
और यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ये लिख दिया, उसके बाद आपने यहाँ पर एक सीक्रेट कोड लिखना है जो कि आपको मिलेगा आपका एनजीरोग वाली वेबसाइट में। यहाँ पर योर ऑथ टोकन पर आएंगे, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर आने के बाद इसको सिंपली पेस्ट कर देंगे, ऐड सीक्रेट पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर आपके सामने देख रहे हो आपके पास टोकन आ चुका है आपका। अब आपने क्या करना है, सिंपल एक्शन पर जाना है एंड सेटअप वर्क फ्लो पर आएंगे। अब यहाँ पर आपको एक कोड एंटर करना है, ठीक है। अब वो कोड कौन से मैं आपको दिखाता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ये वाला कोड प्रोवाइड कर दूंगा। आपने क्या करना है, इसको कंप्लीट को सिलेक्ट ऑल करना है और यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। इस नोटपैड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसको कंप्लीट को कॉपी किया आपने, यहाँ पर आने के बाद इसको सिंपली पेस्ट कर दिया एंड कमिट चेंजेस पर आपने क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर दोबारा से कमिट चेंजेस पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पर आपका जो सा है वो प्रोसेस में आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर दोबारा से एक्शन में आ जाएंगे एंड यहाँ पर देखें आपकी जो सी RDP है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बिल्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें आपकी जॉब जो है वो स्टार्टिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर ये सेटअप करेगा, 30 से 40 सेकंड आपके लगेंगे, सिंपल, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारा जो सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको IP एड्रेस और पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, उसके लिए आपने आ जाना अपने NGROG वाली वेबसाइट पर और यहाँ पर जो सा क्लाउड है जिस तरह का होगा आपने इस पर क्लिक करना है, एंड पॉइंट पर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। कुछ इस तरह के आपके सामने शो के, तो आपने क्या करना है यहाँ पर आकर क्लिक करना है एक, और यहाँ से ना ये जो सा जीरो है आपके पास हो सकता है कुछ और भी हो, ठीक है। URL लिखा हुआ है, आपने ये स्लैश से पहले से यहाँ से आपने कॉपी करना है और इसको लास्ट तक आपने इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। जैसे कि यहाँ से जीरो से लेके मैं लास्ट तक इसको कॉपी कर लूंगा एंड ये हो गया आपका यूजर जो सा IP एड्रेस है। अब आपने इसको लॉगिन कैसे करना है, आपने अपने सर्च बार में आना है और यहाँ पर आने के बाद आपने RDP लिखना है अपने और यहाँ पर ही आपके सामने ऑन हो जाएगा। अब आपने जो सा यहाँ से IP एड्रेस कॉपी किया था वो यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दोगे एंड कनेक्ट पर आप क्लिक कर दोगे। तो यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर मांगेगा, क्योंकि मैं पहले भी यूज कर रहा था ये RDP, तो मैंने रिमेंबर मी पर क्लिक किया हुआ था। हर बार आपका यूजर नेम और पासवर्ड सेम ही रहेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में एक और नोटपैड का लिंक दूंगा आपको, ये ऊपर वाला आपका यूजर नेम होगा और नीचे वाला आपका ये पासवर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको यूजर नेम मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये मेरा यूजर नेम ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पर। पासवर्ड मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, सिंपल पेस्ट किया एंड ओके पर मैंने क्लिक कर दिया एंड यहाँ पर जो है आपकी RDP सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगी। और ये बहुत फास्ट RDP है, मैं आपको अभी चेक भी करवा देता हूँ। और राइट, यहाँ पर जो आपकी RDP है वो ओपन हो चुकी है। अब आपने इस जो ये जो आपके पास विंडो चल रही है इसको आपने बैक नहीं कर देना, क्रॉस नहीं कर देना, इसको आपने मिनिमाइज़ रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी RDP जो सक्सेसफुली बन चुकी है। यहाँ पर आपके पास प्री इंस्टॉल गूगल क्रोम है और फायरफॉक्स है। सबसे पहले आपको IP एड्रेस चेक करवा देता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पर मैं फर्स्ट वेबसाइट को जो है वो ओपन कर लेता हूँ अपने IP एड्रेस चेक करने के लिए। तो यहाँ पर आप बस चेक करें कि ये जरा भी लैग नहीं कर रही, जितनी पेड RDP की होती है उतनी ही फास्ट चल रही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो मेरी लोकेशन है, कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट की, रीजन जो है वो लू है और जो सा सिटी है मेरी यूनाइटेड स्टेट की वो मोइनिस जो भी है वो है। अब आपको इंटरनेट स्पीड भी चेक करवा देते हैं। तो यहाँ पर इसको बैक करें, देखो बड़ी फास्ट RDP है और बड़ा मजा आता है चलाने का। इसको स्पीड टेस्ट लिखेंगे सिंपली एंड यहाँ पर अपनी ओकला जो उनकी वेबसाइट है इसको हम ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पर आपको इंटरनेट स्पीड भी चेक करवा देते हैं। बहुत हाई स्पीड होगी, गारंटेड है ये तो भाई। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो तकरीबन 1 GB तक ये जाएगी इंटरनेट स्पीड, बहुत हाई स्पीड इंटरनेट स्पीड होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कुछ 1 GB के करीब डाउनलोडिंग स्पीड थी, तकरीबन 1200 1 GB के करीब इसकी अपलोडिंग स्पीड होगी, ठीक है। तो ये काफी तेज इंटरनेट स्पीड है। तो यहाँ पर लोग देख पा रहे हो, तो इसमें जो चाहो आप अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर YouTube भी चला सकते हो, जो मर्जी चला सकते हो। जब काम कंप्लीट हो इसको आप बंद भी कर सकते हो। अब जो इसका नेगेटिव पॉइंट वो ये है कि ये आपको RDP मिलती है जब आप इसको क्रिएट करते हो 14 से 15 मिनट के लिए। जैसे ही 14 से 15 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तो ये आपकी RDP ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको दोबारा से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब कि दोबारा से आपको क्रिएट करना पड़ेगा। कहाँ से? वो आपको यहाँ से दोबारा से आपने जो सामने शुरू में किया था ना न्यू रिपोजिटरी, सेम प्रोसेस होगा। आप क्रिएट करोगे तो आपके विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर यहाँ पर अगेन आपकी RDP जो है वो बन जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये टाइम सेट चल रहा है। तो जैसे यहाँ पर 14 से 15 मिनट हो गए ये ऑटोमेटिकली आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो आपको इसको दोबारा से अगेन क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल पर जो भी कोई न्यू वीडियो आए आपको उसका अपडेट वगैरह मिल सके। और डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने इस ग्रुप का मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, जल्दी से जाकर इसको ज्वाइन करो। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के अंदर स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर नहीं कर सकते। आप यहाँ पर आए, ग्रुप को ज्वाइन करें और यहाँ पर आने के बाद आप पोस्ट करें जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो हम यहाँ पर आपको उसका सलूशन जरूर बता देंगे। तो लाजमी इस ग्रुप को ज्वाइन भी करें। अब मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।